वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। इस वीडियो में हम प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को समझने की कोशिश करते हैं। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एक ऐसी पावरफुल थ्योरी है जिसने ये एस्टैब्लिश किया कि पावर और अथॉरिटी के मल्टीपल सोर्सेस होते हैं। सो वी कैन से दैट प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी सजेस्ट्स दैट सुप्रीम पावर, हाईएस्ट अथॉरिटी, कैन बी शेयर्ड अमंग मल्टीपल एसोसिएशंस एंड ग्रुप्स रेदर देन बींग कंसेंट्रेटेड इन अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड सोर्स। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस में डिस्पर्स्ड है, डिसिमिनेटेड है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और साथ ही साथ सोवरेनिटी के सिंगुलर सेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट से बिल्कुल अलग एक डिफरेंट व्यू को प्रेजेंट किया है प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ने। सोवरेनिटी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट तसव्वर किया जाता है पॉलिटिकल थ्योरी में। ट्रेडिशनली सोवरेनिटी को स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी या सुप्रीम पावर के तौर पर स्टेट के साथ एसोसिएट किया जाता रहा है, यानी सोवरेनिटी सिर्फ स्टेट के पास होती है और ये एक अल्टीमेट अथॉरिटी है जिसके बियॉन्ड और कोई दूसरी पावर स्टेट में किसी और इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन के पास एग्जिस्ट नहीं करती। बट प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी इस व्यू को, इस नोशन को न सिर्फ चैलेंज करती है बल्कि इस बात पर भी जोर देती है कि स्टेट के पास सोवरेनिटी तो है मगर साथ ही साथ स्टेट में जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, एसोसिएशंस हैं, वो तमाम सॉवरेन इंस्टीट्यूशंस हैं या सॉवरेन एसोसिएशंस हैं, यानी वो तमाम ऑटोनोमस बॉडीज हैं। सो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू प्लुरलिस्ट्स सोवरेनिटी रिजाइड्स नॉट विद स्टेट ओनली बट इट आल्सो रिजाइड्स विद मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशंस। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की सपोर्ट में बहुत से इन्फ्लुएंशियल स्कॉलर्स जैसे हेरोल्ड लस्की, जॉन नेवेल फिगिस, अर्नेस्ट बर्कर, जॉर्ज डोगलस होवार्ड कोल जिन्हें GDH कोल भी कहा जाता है, अलेक्जेंडर डुनलोप लिंसे, लियोन डुगिथ, रॉबर्ट मॉरिसन जैसे बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने प्लुरलिस्ट व्यू को सपोर्ट किया है और इन सब ने मोनिस्टिक नोशन को चैलेंज किया। हेरोल्ड लस्की ने प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के रिगार्डिंग जो अपना नजरिया पेश किया है उसमें लस्की सोवरेनिटी को यानी हाईएस्ट अथॉरिटी की डिस्ट्रीब्यूशन पर जोर देते। हेरोल्ड लस्की ने इस बात पर भी जोर दिया कि सोसाइटी में सोवरेनिटी को डिस्पर्स्ड वे में होना चाहिए जिसको डिफरेंट ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स के जरिए सोवरेनिटी का इस्तेमाल होना चाहिए और स्टेट को पर्टिकुलरली सोसाइटी के तमाम ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस और इंडिविजुअल्स की नीड्स और डिमांड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सो लस्की के अकॉर्डिंग सिर्फ स्टेट ही वो सिंगल एंटिटी नहीं है दैट इज ऑनली द सोर्स ऑफ पावर इन सोसाइटी, देर आर अदर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स आल्सो एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग प्रोसेस। इसी तरह जॉन नेविल फिगिस एक ब्रिटिश हिस्टोरियन और पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिन्होंने प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के रिगार्डिंग अपना व्यू पॉइंट पेश करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सोवरेनिटी सिर्फ स्टेट ही के पास नहीं होती बल्कि बाकी तमाम एसोसिएशंस और इंस्टीट्यूशंस की तरह स्टेट भी एक इंस्टीट्यूशन है। फिगिस ने डाइवर्सिटी ऑफ पावर स्ट्रक्चर को रिकॉग्नाइज करने पर जोर दिया। अर्नेस्ट बर्कर ने भी मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के नोशन को चैलेंज किया। सो प्लुरलिज्म के सपोर्टर्स या प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी की सपोर्ट करने वाले तमाम थिंकर्स के ख्याल में सोवरेनिटी को स्टेट के एक्सक्लूसिव डोमेन के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि सोसाइटी के मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस में बांटा जाना चाहिए। सो इस तरह प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के रिगार्डिंग ये कहा जा सकता है कि इस थ्योरी ने सोवरेनिटी के ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि इस बात पर भी जोर दिया कि सिर्फ स्टेट के पास ही अल्टीमेट अथॉरिटी यानी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है बल्कि सोवरेनिटी एक शेयर्ड पावर है जो कि स्टेट की तरह मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, चर्च और दूसरे सोशल, पॉलिटिकल,
कल्चरल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी है, बिकॉज सभी इंस्टीट्यूशंस प्लोरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग अल्टीमेट अथॉरिटी को पोजेस करते हैं। प्लोरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ने सोवरेनिटी के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन में इस बात पर जोर दिया है कि स्टेट के वजूद से पहले बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मौजूद थे, यानी स्टेट के ओरिजिन से पहले सोसाइटी में बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस का वजूद या फिर इमर्जेंस हो चुका था और वो इंस्टीट्यूशंस सोसाइटी में सर्टेन लेवल ऑफ अथॉरिटी रखते थे। इसी वजह से प्लूरलिस्ट्स मानते हैं कि वो जो इंस्टीट्यूशंस स्टेट से पहले इमर्ज हो चुके थे और उनके पास अथॉरिटी भी थी सोसाइटी में, इसलिए उन इंस्टीट्यूशंस पर यानी एसोसिएशंस पर स्टेट की एब्सोल्यूट पावर नहीं हो सकती, बल्कि एब्सोल्यूट पावर यानी सोवरेनिटी उनके साथ शेयर्ड होनी चाहिए। सो वी कैन से प्लूरलिस्ट्स argued that number of institutions had been established in society before the existence of state, and those institutions like family, church and other social, political, cultural and economic institutions and associations held a significant level of authority. So this is main reason that pluralists emphasized that state cannot claim absolute authority over other institutions. Instead, pluralists contends that the concept of sovereignty should be distributed among all the associations, institutions and groups. Pluralist ke according sovereignty jo hai that is distributed among different institutions and associations, but pluralists state ke against या आइडिया ऑफ स्टेट के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है। प्लूरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी स्टेट के लिए इम्पोर्टेंट है, बट वो सोवरेनिटी को स्टेट की हाईएस्ट अथॉरिटी के तौर पर नहीं देखते, बल्कि प्लूरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग हर एक इंस्टीट्यूशन सोवरेन है। स्टेट जितनी अथॉरिटी हर एक इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, इवन प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और बाकी जितने भी ग्रुप्स या एसोसिएशंस मौजूद हैं सब सॉवरेन हैं। जिस तरह मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ने ये एस्टेब्लिश किया कि सॉवरेनिटी ही वो वाइड सोर्स है, यानी सॉवरेनिटी ही वो सिंगल सोर्स है अथॉरिटी या लॉज का, उसी तरह प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी ने यह साबित करने की कोशिश की है कि अथॉरिटी का कोई सिंगल सोर्स नहीं है, बल्कि तमाम इंस्टीट्यूशंस और एसोसिएशंस भी कॉम्पिटेंट सोर्स ऑफ अथॉरिटी हैं। सो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी एसोसिएशंस में बिलीव रखती है। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी बिलीव्स इन एसोसिएशंस and contends that there are multiple competent sources of law and authority. Pluralists also stated that sovereignty resides not with state only, but it resides with many institutions and associations. So this is main idea of the pluralistic theory of sovereignty. Ab hum pluralistic theory of sovereignty ke kuch important features dekhte hain. Number 1, the shared nature of sovereign. Pluralistic theory of sovereignty ki khasiyat ye hai ki sovereignty ka nature jo hai, that is काइंड ऑफ शेयर्ड नेचर। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी ये साबित करने की कोशिश करती है कि सोवरेनिटी सिर्फ स्टेट या गवर्नमेंट तक ही कन्फाइंड नहीं है, बल्कि सोवरेनिटी एक शेयर्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड कॉन्सेप्ट है। इस बात का सीधा सा मतलब ये हुआ कि सोवरेनिटी सिर्फ स्टेट के पास ही नहीं होती या सिर्फ स्टेट ही सोवरेन नहीं होता, बल्कि स्टेट में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं और सभी के पास सोवरेनिटी है। सारे एसोसिएशंस लॉ मेकिंग एंड लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी रखते हैं अपने अपने सफेयर में या अपने अपने डोमेन में। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग सोवरेनिटी इज नॉट एन एक्सक्लूसिव पावर हेल्ड बाय स्टेट, रेदर इट इज डिस्पर्स्ड अमोंग डिफरेंट एसोसिएशंस इन देयर ओन स्फीयर। नंबर 2, द स्टेट्स सोवरेनिटी इज लिमिटेड। इसका मतलब ये हुआ कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग स्टेट के पास जो सोवरेनिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, वो एब्सोल्यूट सोवरेनिटी नहीं है, यानी प्लूरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट एक एसोसिएशन है बाकी जो एसोसिएशन हैं उनकी तरह। सो अनलिमिटेड सोवरेनिटी स्टेट में नहीं पाई जाती क्योंकि स्टेट में बाकी एसोसिएशन भी सोवरेन हैं। नंबर 3, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के अकॉर्डिंग
सिविल सोसाइटी भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अवाम को, सिटीजन्स को सोवरेनिटी का, अथॉरिटी का एक इम्पोर्टेंट सोर्स कंसीडर किया जाता है और अवाम की पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स की पार्टिसिपेशन अहम है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स and interests of the citizens. So pluralistic theory of sovereignty viewed people as active participants in the political process. Number 4. Associations are as important as state. Pluralists ke according society jo hai that consists of various associations and state being just one association like many other associations. So pluralists ke khayal mein जब सोसाइटी में दूसरे एसोसिएशंस भी इम्पोर्टेंट हैं, देन व्हाई स्टेट हैव मोनोपोली ऑफ ऑल अथॉरिटी। इस बात का मतलब ये हुआ कि सिर्फ स्टेट ही वो एक इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सोवरेनिटी के रिगार्डिंग सुपीरियर क्लेम रखता है, बल्कि दूसरे एसोसिएशंस भी सोवरेन। नंबर 5, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी स्टेट को हाईएस्ट अथॉरिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करती। प्लुरलिस्ट के अकॉर्डिंग अथॉरिटी के डिफरेंट और मल्टीपल सेंटर्स हैं, जिसमें कोई भी एक फुली या होली सॉवरन नहीं है, यानी किसी भी एसोसिएशन के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं है, बल्कि हर एक एसोसिएशन ऑटोनोमियस और इंडिपेंडेंट ग्रुप्स, चाहे वो कोई रिलीजियस एसोसिएशन हो, कॉमर्शियल बॉडी हो या फिर कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन हो, सबके पास अथॉरिटी है, सब सॉवरेन हैं स्टेट की तरह अपने अपने स्फीयर। नंबर 6, एडवोकेटिंग फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ स्टेट। प्लुरलिस्ट्स स्टेट को एबॉलिश या एलिमिनेट करने को फेवर नहीं करते, इसके बजाय वो स्टेट के कंटिन्यूशन या स्टेट के एग्जिस्टेंस की वकालत करते। सो वी कैन से दैट प्लुरलिस्ट्स अपोज्ड टू द एलिमिनेशन ऑफ द स्टेट, दे आर अगेंस्ट द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट। इंस्टेड प्लुरलिस्ट्स आर प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एडवोकेटिंग फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ द स्टेट। दीज आर द फ्यू इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। अब हम कुछ क्रिटिसिज्म देखते हैं। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को क्रिटिसाइज किया गया ऑन सर्टेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। नंबर 1, सोवरेन पावर कैन नॉट बी डिवाइडेड। क्रिटिक्स मानते हैं कि सोवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। नंबर 2, डिविजन ऑफ सोवरेनिटी इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टेट। क्रिटिक्स मानते हैं कि अगर सोवरेनिटी को डिवाइड कर दिया जाए, दैट मीन्स वो स्टेट ही खत्म हो जाएगी जिसमें कोई ओवरराइडिंग पावर ना हो। नंबर 3, स्टेट सॉल्व्स द डिस्प्यूट्स अमंग एसोसिएशंस। क्रिटिक्स मानते हैं कि स्टेट जो है वो एसोसिएशंस के दरमियान डिस्प्यूट्स को सेटल करता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है। क्योंकि स्टेट के पास हाईएस्ट अथॉरिटी है, इसीलिए वो एसोसिएशंस और डिफरेंट ग्रुप्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल करता है या सॉल्व करता है, क्योंकि स्टेट के पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। सो प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी को इस ग्राउंड पर भी क्रिटिसाइज किया गया, हर एक एसोसिएशन एब्सोल्यूट अथॉरिटी रखता है, बट क्रिटिक्स मानते हैं कि हर एक एसोसिएशन में अथॉरिटी हो सकती है, बट उनके ऊपर स्टेट है जिसके पास सबसे बड़ी अथॉरिटी, यानी हाईएस्ट अथॉरिटी सिर्फ स्टेट के पास है, इसीलिए स्टेट एसोसिएशंस और ग्रुप्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व। नंबर 4, प्लुरलिस्ट सफर फ्रॉम एन इनर कॉन्ट्राडिक्शन। प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी के सपोर्टर्स के दरमियान एक कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू पाया जाता, बिकॉज प्लुरलिस्ट्स या प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी एक तरफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और ऑटोनॉमी ऑफ ग्रुप्स या एसोसिएशंस में बिलीव करती है, और वहीं दूसरी जानब प्लुरलिस्ट्स चाहते हैं कि स्टेट को डिफरेंट एसोसिएशंस और ग्रुप्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए उनकी एक्टिविटीज में रेगुलेटरी रोल प्ले करना चाहिए। मगर क्रिटिक्स के अकॉर्डिंग स्टेट रेगुलेट कैसे करेगा, जबकि प्लुरलिस्ट्स के अकॉर्डिंग स्टेट के पास या स्टेट के अख्तियार में ओवरराइडिंग पावर नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी।